मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट एंड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड द मनी ग्रोथ सो आज हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का क्या रोल है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है ये ऑबियसली बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है कि लोग फ्यूचर के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन के हवाले से उनकी क्या एक्सपेक्टेशन हैं ये एक्सपेक्टेशंस एसेट्स मार्केट को स्ट्रांगली अफेक्ट करती है तो इस हवाले से कुछ बातें आज हम डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल अगर रियल रेट कॉन्स्टेंट है सो so, आ रियल रेट मीन्स आर इफ इट इज़ कॉन्स्टेंट तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है इट विल डिटरमिन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ये इक्वेशन आप इससे फेमिलियर हैं आई इज़ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आर रियल इंटरेस्ट रेट एंड दिस इज़ द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट सो इफ दिस आर इज़ कॉन्स्टेंट इट मीनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को डिटर्मन करेगा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन में इजाफा होगा लोग फ्यूचर के बारे में कंसर्न है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसके नतीजे में फिर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप वो भी इंक्रीज़ देगा। ओके कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को अफेक्ट करेंगे डिटरमिन करेंगे ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट मॉड्यूल में इन्फ्लेशन रेट ठीक है दिस इज इक्वल टू द ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल मनी सप्लाई और ये हमने देखा था कि मनी डिमांड में जो चेंज आती है उसको हमने सो रिलेटिंग इन्फ्लेशन टू द ग्रोथ रेट्स ऑफ नॉमिनल मनी सप्लाई एंड द रियल इनकम कि अगर लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉमिनल मनी सप्लाई में इजाफा हो रहा है तो डेफिनेटली फिर वो सोचेंगे कि इसके नतीजे में इन्फ्लेशन भी उसी प्रपोर्शन से बढ़ेगा

कि करंट इन्फ्लेशन रेट जो है यही आपके पास एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा और इसके नतीजे में फिर आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा ओके एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर के बारे में कि लोग फ्यूचर के बारे में इन्फ्लेशन के बारे में उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ऑब्वियसली इसको डायरेक्टली आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते इसे हम डिफरेंट सर्वेज़ के ज़रिए से इसको जज करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और सोसाइटी के डिफरेंट जो तबके हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है बॉन्ड होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट है पेंशनर्स के लिए इम्पॉटेंट है किदार है जब इन्फ्लेशन में इजाफा होगा तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और इसका इकानोमी पर असर होगा सो पॉलिसी मेकर्स भी इसके बारे में कंसर्न होते हैं सो इफ़ रियल इंटरेस्ट रेट आर स्टेबल एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कैन बी इन्फर्ट फ्राम द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमने देखा था रिलेशनशिप क्या था आई इज़ इक्ल टू आर प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ओके सो इफ आर इज़ कॉन्स्टेंट तो फिर क्या होगा कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन में हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से डायरेक्ट और वन टू वन रिलेशनशिप इसमें हो जाएगा जिस रेशो से एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा वैसे ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगी सो एनी पॉलिसी एक्शन दैट कैन काज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन टू राइज शुड काज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट टू राइज कि वो गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जिनके नतीजे में लोग फ्यूचर के बारे में ये फील करें कि इन्फ्लेशन में इजाफा होगा डेफिनेटली उन पॉलिसीज़ के नतीजे में फिर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा हो जाएगा पाकिस्तान के करंट सिनेरियो में आप देखेंगे कि जब इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है तो फिर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी आप देख रहे हैं कि ट्वेंटी टू परसेंट ट्वेंटी परसेंट इतना हाई है क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है सो देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू थैंक यू वेरी मच